Hello friend, welcome to my YouTube channel Goat Farm Punjab Care. और आज हम बनाने जा रहे हैं समर के लिए मिक्स सीड. और इस सीड के लिए जो मिक्स सीड के लिए हमें सामान चाहिए वो इस प्रकार मैं आपके सामने अभी बनाऊंगा और बताऊंगा भी. ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे मोती कंगनी 2 kg, और उसके बाद हम लेंगे ब्री कंगनी 1.5 kg. ठीक है फ्रेंड्स, जो ब्री कंगनी है वो 1.5 kg है. खुड़दम के बीज, जैसा कि आप देख रहे हो इसे खुड़दम के बीज कहते हैं, जो कि किसी या संतरे या किसी इसके बीच में होते हैं, एंटीबायोटिक बीज होते हैं. ये जानवर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं. और इसके साथ हम एंटीबायोटिक के लिए ये हैं करेले के बीज. ठीक है, आप देख सकते हो ये करेले के बीज हैं. ये सनकनूर वगैरह बहुत ही अच्छे से खाते हैं, लव बर्ड भी इसको बहुत अच्छे पसंद करते हैं. मुझे एंटीबायोटिक है. और इसके बाद हम लाएंगे नेग्रा सीड, यानी ब्लैक सीड जैसे कह देते हैं. यह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है ब्लैक सीड. आपको अगर दिख रही होगी अच्छे से, ठीक है दोस्तों, ये हम ले रहे हैं 250 ग्राम. ठीक है, एक टोटल बन जाएगा तकरीबन 10 से 11 kg के बीच में. और जो इसमें खुर्दम मिलाए हैं वो भी 250 ग्राम है. और ये आप देख सकते हो, आपको अगर पता है तो ये से अलसी के बीज कहते हैं. ये जानवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जो उसके अंदर तेल की मात्रा को पूरा करता है. और इसके बाद थोड़े इतनी गर्मी नहीं हुई इसलिए हम थोड़े से बीच में लाएंगे सनफ्लावर के बीज, तकरीबन 1/2 kg हैं ये. ठीक है दोस्तों, और एक पाया भांग के बीज बोल देते हैं. ठीक है, जैसे ये जानवर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, पंछियों के लिए, इंसानों के लिए भी बढ़िया होते हैं. ये एंटीबायोटिक का काम करते हैं, भांग के बीज हैं ये. इससे जानवर बहुत ही हेल्दी वगैरह रहते हैं. ठीक है, मिक्स सीड आप हमेशा बाजार वाली मत लें और खुद लेके सामान घर पे तैयार करें. आपको पता होगा ये है कैनरी सीड. ठीक है, कैनरी सीड है, एक पाइया ये ले रहे हैं इसके लिए. ठीक है दोस्तों, कैनरी सीड एक पाइया ले रहे हैं. ये ओट्स है, जो लवबर्ड वगैरह बहुत खुश होकर खाते हैं. ये एक पाइया हम ओट्स डाल रहे हैं. जैसा कि आप देख रहे हो ये सारा मिक्स हो रहा है. थोड़ी सी हमने डाली है सरसों, उनके तेल की मात्रा को पूरा करने के लिए. अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. जैसा आप देख रहे हो ये बनके अभी तैयार हो गया है. और इसमें हम जब भी इनको जानवरों को डालेंगे तो इसमें हम मिक्स करेंगे ऑलिव ऑयल थोड़ा सा,
कभी कभी डेली में, और डेली हम तुम्हें मिक्स करेंगे अंडे के छिलका होता है उसका पाउडर बना रखा है, और साथ में हमने बना रखा है अपने जो समुद्री जाग होती है कटल फिश बोलते हैं इसे, उसका पाउडर बना रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो दोस्तों, इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और पाकिस्तानी नमक और समुद्री जाग बोल देते हैं कटल फिश और मुर्गी के अंडे का छिलका, ये पीस के पाउडर बना रखा है। जब भी इनको खाने में देता हूँ तो ये मिक्स करके साथ में देता हूँ, इससे इनका कैल्शियम पूरा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी अपने बर्थडे के लिए ऐसे ही बनाएं फिर, और गुजरात से ऑनलाइन मत परचेज करें, और ये बहुत ही बर्थडे के लिए हेल्दी है, कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सारा कुछ करते हैं तो आपको कुछ पैसे बचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और लाइक भी करें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, मेरी अगली लेटेस्ट वीडियो जो आपके मोबाइल पर आ जाए और लगता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब।